नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वागत है आज फिर आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने अब से कुछ दिन पहले एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेंज ऑनलाइन एक्सेसरीज़ के बारे में, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीक में 3 वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज उसी वीडियो का हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आए हैं और मैंने एक और एक्सेसरी मंगवाई है जो कि विस करके एक वेबसाइट है चाइनीज़, आप देख सकते हैं चाइना में इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने मंगवाई है। और आप डरिएगा मत, अभी जो समस्याएं देश में चल रही हैं, ये एसेसरी लगभग सितंबर या अक्टूबर में मुझे रिसीव हुई थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हैं मेरे पास, मुझे वक्त नहीं मिलता, अब मिल रहा है इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ ये वीडियो, बता रहा हूँ। ये काफ़ी सारी हैं एसेसरीज़ ऐसी जो मैं आपको दिखाऊँगा इस सीरीज़ में। तो दोस्तों, ये है, ये मुझे पड़ी है, इस पर प्राइस नहीं लिख रहा, मैं एंड में बता दूंगा आपको प्राइस क्या है और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें दे दूंगा। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये है, ये इंटीरियर में लगाने के लिए है और ऐसा बताया गया था मुझे उस वेबसाइट पे कि इसे आप खुद से अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है कि बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन, चाहे आप banggood.com से ले लें, अली एक्सप्रेस से ले लें, अमेज़ॉन से, फ़्लिपकार्ट से, विस से, क्लब फैक्ट्री, फ़्लिपकार्ट, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी एसेसरीज ऐसी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि आप खुद उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग मंगवा भी लेते हैं। हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं जब हमें पता लगता है कि वो हमारी गाड़ी में फ़िट नहीं हो रही है, क्योंकि वो एसेसरीज़ यूनिवर्सल होती हैं और यूनिवर्सल एसेसरीज़ की ये कोई गारंटी नहीं होती कि वो हर गाड़ी में फ़िट हो जाएं। तो आज मैंने ये एसेसरी मंगवाई है इंटीरियर में, जिस तरीके से हम लाइट्स वगैरह लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपने देखा होगा एक वायर, EL वायर करके बोलते हैं उसे, तो ये वैसा नहीं है, इसमें लाइट नहीं जलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा अगर इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ कि ये होता है नहीं होता और आपको दिखाता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे मंगवा सकते हैं। बाकी मैं फ़िलहाल इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है सारा, और मैं कर पाता हूं या नहीं। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा यार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसे इंस्टॉल करके देखता हूँ। तो ये है अपना वायर, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 2.5 मीटर मुझे मिली है इस पैकिंग में, और मैंने ये छोटा पीस इसमें से काट लिया है। अब ये जहाँ पे लगेगा, आपको मैं बता दूँ, इंटीरियर में जो इंफोटेनमेंट एरिया है, इसके साइड में गैप्स होते हैं, हल्के बहुत गैप्स होते हैं, उनमें ये लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे गैप है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ आप देख सकते हैं ये लग गया है, और लेकिन ये नीचे, ये नीचे नहीं लग पा रहा है, नीचे लगने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ये भी आया है एक लगाने के लिए, तो इसका क्या यूज़ है वो भी मैं करके देख लेता हूँ एक बार।
तो दोस्तों जैसा आपने देखा अभी वीडियो के मध्य में, मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं इंस्टॉल कर पाऊँ, लेकिन मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया। मैंने ये भी यूज़ किया, गैप्स बहुत कम हैं, कई जगह पे गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टाटा की कार्स में अक्सर अनयूजुअल गैप्स इंटीरियर में और एक्सटीरियर में दोनों में ही देखने को मिलते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती उसके बावजूद भी गैप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और बहुत सारे गैप्स हैं। मैं दिखा दूँगा कभी आपको जब मैं इस गाड़ी का प्रॉपर एक रिव्यू बनाऊँगा तब। लेकिन अभी अगर इस एरिए की मैं बात करूँ तो इस एरिए में कहीं पर भी मैं इसे नहीं लगा पाया। काफ़ी कोशिशें करने के बाद मैंने दरवाज़ों में लगाने की कोशिश की, यहाँ पर मैं दरवाज़ों में भी नहीं लगा पाया। एसी वेंट पे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है थोड़ा भी, लेकिन इस एसी वेंट में तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरे लिए, मेरी गाड़ी के लिए ये जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो मैंने विस से मंगवाया, जिसका प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस का पड़ा मुझे, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि क्या कीमत थी इसकी, और प्रोडक्ट का लिंक भी दे दूँगा, हो सकता है ये आपकी गाड़ी में फिट हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो मैं वीडियो अभी जो शूट कर रहा हूँ, ये अभी जो मैंने मध्य की और शुरुआत की वीडियो शूट की थी वो काफ़ी समय पहले की थी, और ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं लगभग 4 से 5 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। तो जिस दिन मैंने ये मध्य की वीडियो शूट की थी इंस्टॉलेशन की, उसी दिन मैंने विस, एक वेबसाइट है, एक ऐप भी है उसकी प्ले स्टोर पर, वहाँ से ये मंगवाई थी। तो उन लोगों को मैंने बोला, तो मेरा रिफ़ंड भी आ गया है। तो मैंने जब उन्हें बताया कि मेरी गाड़ी में ये आपकी जो एसेसरी है वो इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो उन्होंने रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया है मेरा, और मेरे अकाउंट में आ भी गया है वो। बाकी ये प्रोडक्ट मेरे को वापस भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने बिना प्रोडक्ट भेजे ही मुझे रिफ़ंड दे दिया है। तो अमाउंट, प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी आप कलर लेना चाहें आपका मनपसंद, बशर्ते ध्यान रहे कि आपके इंफोटेनमेंट में यहाँ पे या डोर्स पे इतना गैप हो, आप पहले चेक कर लें, जिससे कि आपकी जो पैसे हैं वो बेकार ना जाएं। पैसे तो वापस आ जाएंगे, मुझे प्रोडक्ट भी वापस नहीं भेजना पड़ा और पैसे भी मिल गए, लेकिन हाँ एक टाइम थोड़ा सा ख़राब होता है, वो चीज़ है। और ऐसी ही एसेसरीज़ के बारे में मैंने आपको बताने के लिए ये जो अपनी जो स्ट्रेंज एसेसरीज़ की जो एक सीरीज़ शुरू की है वो इसीलिए की है, और भी आपको फ्यूचर में काफ़ी सारी स्ट्रेंज एसेसरीज़ देखने को मिलेंगी हमारी इसी सीरीज़ में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, प्लीज़ अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अगर आप बाइक पे या गाड़ी में बाहर घर से निकलते हैं कभी भी, तो प्लीज़ सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के निकलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।